हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ एक सिंपल सा ब्लाउज़ का बैक नेक शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ये देखिए, मैंने अस्तर के साथ इसको ज्वाइन कर लिया है बैक पल्ले को, और ये मैं बोट नेक में ही तैयार करने वाली हूँ। सो इसका मैं आपको लेंथ और मेजरिंग दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको कटिंग किया है। और ये देखिए, नीचे से मैंने इसको स्टिच कर लिया है पलट कर अस्तर को, और अस्तर पूरा ज्वाइंट कर लिया है। सबसे पहले इसकी हम ना लेंथ ले रहे हैं। तो लेंथ मैंने यहाँ पे 15.5 ली थी, जो सिलाई नीचे से करने के बाद ये 15 तक बच गया है। और ये चेस्ट है 34 का, तो 8.5 फोर्थ पार्ट, साथ में एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया है। और तीरा हम इसका 7 ले रहे हैं, क्योंकि बोट नेक में तैयार करना है, सो इसीलिए 14 इसका जो तीरा था, तो अभी इसका हाफ मैंने 7 ले लिया था। और ये देखिए, 3.5 का हम गला जो है तैयार करेंगे, उसकी चौड़ाई और लंबाई। हमें गले की जो लेंथ रखनी है वो आप 10 ले सकते हैं, 11-12 अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर 11 इंच लिया है, और नीचे से इसकी जो चौड़ाई है हम टोटल 4 इंच ले लेंगे। ऊपर हमने लिया था ना 3.5, तो हम नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 3.5 ये 4 हम निशान लगाकर एकदम इसको इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे। ऊपर से हल्का ये 1/2 इंच कम है, सो इसीलिए थोड़ा सा तिरछा शेप में आ जाएगा। तो आप जब भी ऊपर से जो गला तैयार करते हैं उसके नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लें। अब यहाँ पर हम 3.5 इंच का एक गला जो है ऊपर बनाएंगे, जो बोट में बनेगा, और नीचे से हमारी जो है नीचे का अलग शेप बनेगा। तो इसको इस तरह से आपने मिला देना है। ऊपर वाले पार्ट को हम एकदम बोट शेप दे देंगे इस तरह से। और नीचे अब देखिए कैसे इसका शेप बनाना है, आपने एकदम तिरछा लेकर आना है इस तरह से। यहाँ से इसको इस तरह से मिलाते हुए एकदम तिरछा लेकर आना है। ऊपर से आपने 1/2 इंच छोड़ना है यहाँ पर स्पेस, जो सिलाई होकर पूरी मिल जाएगी। बाद में कटिंग के टाइम आप 1/2 इंच छोड़ दें। इसको अच्छे से डार्क कर दीजिए, क्योंकि हमें इसको ना फ्यूजिंग पेपर पर भी निशान लगाना, जो पेस्टिंग पेपर होता है उस पर। तो अभी हम पेस्टिंग पेपर ले लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। देखिए, मैंने पहले से इस पर निशान लगाया हुआ था, आपको दिखाने के लिए मैं एक बार इसको निशान और लगा के दिखा देती हूँ। इसको इस तरह से पलट देना है आपने, और जो जो ये शेप आपको दिख रहा है हल्का फुल्का, उस पर आपने इस तरह से इसको निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, और ये एकदम तिरछा जो निशान दिख रहा है उसको भी आपने मिला देना है। और यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेना है, और उसके बाद आपको इससे एक्स्ट्रा निशान लगाना है हल्का हल्का इस तरह से, क्योंकि ये हमारी कटिंग होगी और जो हमने अंदर निशान लगाया है वो हमारी सिलाई होगी। इसीलिए आपने इस तरह से निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, क्योंकि डार्क करने के बाद ये दूसरी तरफ छापा डालेंगे इसको, इसीलिए। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, ताकि दूसरी तरफ हल्का हल्का छप जाए इसका निशान, तो हमें इजी हो जाएगा दूसरी तरफ निशान लगाना। ये देखिए, हल्का हल्का जो इसका निशान दूसरी तरफ आ गया है, तो हम इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। इधर से इसको इस तरह से मिला देंगे, एक्स्ट्रा वाला भी हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम फ्यूजिंग पेपर पे निशान लगाते होते हैं गले से उतार कर। अगर आप डायरेक्ट फ्यूजिंग पेपर पर निशान लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा होती वैसे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा वाला भी हमने निशान लगा लिया है। और अब चलिए इसको हम स्टिच करते हैं। उससे पहले हम जो इसका एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसे हमें कट भी करना है। इस तरह से आपने थोड़ा डार्क करके रखना चाहते हो थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं। अब इसको हमें ना ये जो साइड वाला है उसे हमें कट करके निकालना है यहाँ से, जो बाहर की तरफ जो सिलाई लगी, जो हम निशान लगाया है उसके बाहर जो कपड़ा, जो फ्यूजिंग पेपर, पेस्टिंग पेपर है, उसे निकाल दीजिए काट कर। इसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केयरफुली आपने इसको कट कर लेना है। और ये भी हम जो इसका अंदर वाला पार्ट है वो बाद में कट करेंगे, जब हम इसको कपड़े पे स्टिच कर लेंगे उसके बाद। तो इसको हम पूरा का पूरा जो है साइड से कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपका गला का शेप जो आएगा
और अब हमें इसे एक दूसरे कपड़े पर इसको पेस्ट करना है, यानी कि सिलाई करके रखना है। तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं क्योंकि ये अंदर ही जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम साइड से बिल्कुल हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो आपको अब इसको दूसरे कपड़े पर पेस्ट करके इसको सिलाई करना है, या फिर आप आयरन से पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये अधिकतर मैं जो सारा सिलाई करती होती हूँ, तो इसको भी मैं एक दूसरा कपड़ा ले रही हूँ, उसके ऊपर इसको बिछा देना है अच्छे से। और यहाँ मैंने कपड़ा जो है ज्वाइंट करके रखा है, क्योंकि कपड़ा ये कम पड़ रहा था, सो इसीलिए। तो आपने भी देख लेना है, अगर आपका कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है तो और कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर जैसे मेरा सेटिंग होगा वैसे मैं इसको रख कर सेट कर लिया है मैंने। अब इसको हम साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई कैसे लगाना है वो देखिए, साइड से एकदम हल्का हल्का आपने कपड़ा को पकड़ना है। उससे पहले आप बीडेड पिन लगा दीजिए ताकि आपका कपड़ा इधर से उधर ना हो। एक हमने बीडेड पिन ऊपर लगा लिया है और एक हम नीचे की साइड पे लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये फ्यूजिंग पेपर है, जो पेस्टिक पेपर है, वो एक जगह टिका रहेगा और हम अच्छे से इसको सिलाई लगा पाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ से आपने शुरू करना है और एकदम हल्का हल्का फोल्ड करते हुए सिलाई करना है इस तरह से। और इस सिलाई को आप बड़ी सिलाई लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पतली ही सिलाई लगाएं, आप मोटी सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपने पूरा घुमा घुमा कर इसको सिलते जाना है, टर्न करके इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। और यहाँ से भी हमें सिलाई जो है लगा लेनी है। देखिए इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। इनको हम इसी तरह से घुमा घुमा कर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आता है ना, उसे आप काट कर साइड कर दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको इसको किस तरह से फोल्ड करना है और एक सेंटर पॉइंट निकाल लेना है कट करके। सेम इसी तरह से आपको मेन कपड़ा लेना है और मेन कपड़े को भी फोल्ड करना है, और इसमें भी आपको एक सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अब दोनों सेंटर पॉइंट को हमें मैच करना है। कपड़े को एकदम सीधा रखना है आपने, और इस कपड़े को भी नीचे से सीधा, यानी ऊपर से उल्टा रहेगा और नीचे से सीधा मिलाते हुए आपने इस तरह से रखना है। और इस सेंटर पॉइंट मिलाते हुए आपने एक बीडेड पिन लगाना है। इस तरह से बीडेड पिन जो है एकदम स्ट्रेट लगाइए या फिर जैसे भी, लेकिन आपको सेंटर पॉइंट दोनों मिलाते हुए लगाना है। एक सेंटर पॉइंट यहाँ लगा देना है और एक आपको बीडेड पिन नीचे की तरफ लगाना है ताकि एकदम बीच में रहे। अगर ऐसे आपसे नहीं होता है तो आप एकदम बीचों बीच एक सिलाई लगा सकते हैं, तभी भी आपका जो बक्रम है, जो फ्यूजिंग पेपर है, बीच में रहेगा। तो इस तरह से आपने लगाने के बाद अब सिलाई लगानी है, और सिलाई आपने अब ये वाली सिलाई जो है पतली लगानी है, मोटी नहीं लगानी है। और ये सिलाई हमने जो अंदर की तरफ जो निशान लगाया था उसी पर चलाते हुए आना है। तो देखिए अभी कैसे इसको स्टिच कर रहे हैं, यहाँ से सिलते हुए आना है। और अगर आप चाहते हैं इसके साथ डोरी अटैच करना, तो डोरी अटैच कर सकते हैं। जैसे ये डोरी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप इसके साथ ही डोरी जो है अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डोरी मैं अटैच नहीं करने वाली हूँ, मैं बाद में करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे आप अटैच कर सकते हैं डोरी को। देखिए डोरियाँ हमने यहाँ पर रेडीमेड डोरी जो है ले लेनी है, और एक डोरी को आप इस किनारे से रख सकते हैं उठाकर, जहाँ पे ये कोन बना हुआ है उसके पास लेके जाना है, और दूसरा डोरी हम इधर साइड से रख सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो डोरी को लगा सकते हैं। देखिए इधर यहाँ पर एकदम कोन जो बना है हमारा, तिरछा शेप बना है जो, वहाँ पर आपने इसको डोरी को लगाना है। तो ऐसे रख के सिलाई लगा सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप डोरी को बाद में ही लगाएं, इस तरह से तिरछा उल्टा पुलटा ना हो जाए। सो अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैं इसे बाद में लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर टर्न करना है, इसको घुमाते हुए आना है, और ये एकदम इसको स्ट्रेट इस तरह से जो तिरछी निशान लगी है उस पर ही सिलते हुए आना है। सिलते हुए इधर आएंगे कोन में, और फिर इसको टर्न करेंगे और सुई को लगी रहने देना है, तब टर्न करना है। इस तरह से हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। Thank you.
अब हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए इस कपड़े को कट करते जाना है। और देखिए इस तरह से आपने घुमा कर कट करना है। बीच में हम स्पेस जो छोड़े हैं सिलाई दोनों तरफ से लगाए हैं, उस सिलाई के थोड़े थोड़े स्पेस छोड़ते हुए इसे कट कर देना है। देखिए इसे कट पॉइंट निकाल लगाते हुए हमने इसको पलट लेना है। कट पॉइंट लगाने से इसकी जो है ना फिनिशिंग अच्छी आती है, तो इसे अब मैंने पलट लेना है। और पलट कर हम यहाँ पर एक सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई आप चाहते हैं तो मोटी भी लगा सकते हैं या पतली भी लगा सकते हैं, तो बट इसमें मुझे लेस लगाना है, सो मैं इस सिलाई को थोड़ी मोटी लगा लूँगी। तो ये देखिए हमारा जो है इस तरह से बन गया है। तो अब इसमें हम डोरी लगा देंगे। यहाँ पर डोरी लगा कर अच्छे से इसको इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है दो तीन बार। तो इस तरह से हमारा गले का शेप जो इस तरह से आ रहा है, हमने इसमें बैक हुक में डिज़ाइन जो डालना है, बैक हुक हम इसको बनाने वाले हैं। सो अब इसमें हम लेस का वर्क कर लेते हैं। और लेस हम यहाँ पर पतली वाली लेस ले रहे हैं। आपको जो मोटी वाली लेस लेनी है तो मोटी वाली लेस ले सकते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाली लेस मैं ले रही हूँ गोल्डन कलर में, जो कि ग्रीन में काफ़ी जच रही है। तो इस तरह से लेस को घुमाते हुए आपने स्टिच कर लेना है। और इस लेस पर आप चाहें तो तीन नंबर सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीन नंबर पे ही सिलाई जो है लगाई है। तो इसको अच्छे से इसको हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमारा इतना वर्क हो चुका है। डोरी को मैं बांध के दिखाती हूँ, इस गले का शेप कितना प्यारा लग रहा है। अब हमें बारी आती है बैक में इसके प्लेट डालने की। तो इस तरह से हमने गले के साइड से बैक में प्लेट जो है बना लेना है दोनों ही साइड में सेम इसी तरह से। और आपने इसकी लंबाई 3-3.5 इंच तक ले सकते हैं, क्योंकि डीप नेक है। सो इसीलिए अगर नेक लंबी नहीं होती है डीप, तो हम इसमें 4 इंच तक लेते हैं, 4.5 इंच तक जो इसकी लेंथ लेते होते हैं। और आपको चौड़ाई तो पता ही होगा जो प्लेट की होती है 1/2 इंच यानी 1 इंच की होती है। तो ये देखिए हमने बैक में प्लेट डाल लिया है। अब इस पर भी हम सेम यही लेस का काम जो है कर लेते हैं। इस लेस को हम इसी तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये लेस भी हमने लगा लिया है। अब बारी आती है हमारी इसकी बैक हुक तैयार करने की। तो ये हम ब्लाउज़ जो बना रहे हैं बैक हुक के लिए बना रहे हैं। तो इसमें हमें बैक हुक सिंपल सा ये सारा काम करने के बाद हम इसको बीचों बीच से कट पॉइंट लगा लेंगे। इस तरह से बराबर साइड में रख लेंगे, एकदम इक्वल में, इधर से उधर ना हो। अच्छे से गले को सेट करते हुए इसको बीच से कट कर देना है। और कट करके हम हुक और आई वाली पट्टी जो है तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए कट कर दिया है। अब हुक और आई पट्टी जो है आपने लगा लेनी है। तो यहाँ पर हम जो आई वाली पट्टी है वो मेन कपड़ा का लगा रहे हैं, और जो हुक वाली पट्टी होती है वो हम लगाएंगे अस्तर वाले पार्ट की। तो आपको तो आई और हुक वाली पट्टी लगानी आती होगी, सो मैं इसमें आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने इसमें लगाया है। तो ये देखिए ऊपर से हम लगाते होते हैं हुक वाली पट्टी, और आई वाली पट्टी हम नीचे से लगाते होते हैं। इस तरह से आपने फोल्ड करते हुए नापते हुए अच्छे से इसको सेट कर लेना है। तो चलिए ये भी हमारी जो हुक और आई वाली पट्टी जो लग जाएगी। देन इसके बाद इसको अच्छे से आपने स्टिच कर लेना है, और हमारी जो ब्लाउज़ इस तरह से कंप्लीट हो जाती है बैक पल्ले की।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और गले का डिज़ाइन भी पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए मेरी ब्लाउज की बैक नेक बनकर तैयार हो चुकी है परफेक्ट तरीके से, और ये बैक हुक में मैंने तैयार किया है। ये देखिए एकदम तिकोना शेप में तैयार किया है। लेस का यूज़ किया है, जो एकदम प्लेन कपड़े पर हम गोल्डन कलर का लेस यूज किए हैं। आपको जैसा लेस है पसंद है वैसे लगा सकते हैं। बैक हुक में आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही, तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।